हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 72, या फिर आप कह सकते हो कि ये फोर्थ चैप्टर का वीडियो नंबर 20 है। और आज हमारे पास फिर दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आप कहते हो रेजोनेंस। और रेजोनेंस को हम हिंदी में कहते हैं अनुनाद। तो आज हमें फिर डिस्कस करना है। हमने सेम टॉपिक डिस्कस किया था यूनिट नंबर फर्स्ट में, जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी और पहले यूनिट के ऊपर हमने अटैक किया था। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रेजोनेंस ही आया था, जो हमने पहले यूनिट के दूसरे वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है। और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमें रेजोनेंस को डिस्कस करना है। तो ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है रेजोनेंस को समझना। हम सबसे पहले रेजोनेंस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ही उठाते हैं, उस एग्जाम्पल से हम रेजोनेंस को समझेंगे। मान लो हमारे पास, आपको सबको पता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। चलो वैसे बनाता हूं मैं इसे, थोड़ा सीधी लाइन खींच के बनाएंगे। मान लो हमने पूछा एक बच्चे से कि आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ कैसा होता है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसा, ये बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ बच्चे। ठीक है। और कुछ बच्चे बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे, अभी मैं बताता हूं। कुछ बच्चे बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे, मतलब हमें बताना है कि हमें पूछना है कि आप सारे बॉन्ड बना के दिखाओ उसके। तो कुछ बच्चे इन डबल बॉन्ड्स को यहां बनाएंगे इस जगह ऐसे। तो यहां क्या देखा हमने कि कुछ बच्चों ने बेंजीन का स्ट्रक्चर पहला बनाया, यानी ऐसा स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट जैसा, और कुछ बच्चों ने बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, यानी डबल बॉन्ड की जगह बदल दी। तो यदि आप बेंजीन को देखो तो बेंजीन के दो स्ट्रक्चर, टू टाइप्स के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट भी बेंजीन का ही कहा जाता है और स्ट्रक्चर नंबर सेकंड भी बेंजीन का ही कहा जाता है। पर एक क्वेश्चन है कि क्या इन दोनों में से कोई सा ऐसा स्ट्रक्चर बेंजीन का है जिससे आप बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सको? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, इन दोनों में से कोई सा भी ऐसा बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है जिससे आप बेंजीन की टोटल प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सको। तो फिर सवाल खड़ा होगा जी, फिर बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है ना, वो इन दोनों का मिक्सचर है। इन दोनों का क्या है? मिक्सचर, यानी इन दोनों का मिलावट, मिश्रण, या हाइब्रिड, या संकर। हाइब्रिड या संकर मिलावट को ही तो कहते हैं। तो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों स्ट्रक्चर का मिक्सचर। पर इन दोनों स्ट्रक्चर का जो मिक्सचर है, क्या हम उस स्ट्रक्चर को, यानी बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर को, हम किसी पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनना, इसका जवाब है नहीं। हम बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर को पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। फिर अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर आप तो कह रहे ड्रॉ नहीं कर सकते, पर कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि जब ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में मिक्स होते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ऐसा दोनों स्ट्रक्चर आपस में मिक्स करते हैं तो उनके मिक्स करने से हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है बेंजीन का। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है बेंजीन का ऐसा, ये स्ट्रक्चर मिलता है बेंजीन का। तो क्या वास्तविकता में ये बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है? उसमें बहुत सारे डॉट डॉट हैं क्या? नहीं तो, उसमें बहुत सारे डॉट डॉट तो नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नहीं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर ऐसा बनेगा, इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड का जो मिक्सचर बनेगा वो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। इसके अंदर आपको डॉट डॉट नहीं करना,
इसके अंदर आपको पूरा सर्किल बनाना है इस तरह। तो क्या ऐसा कोई बॉन्ड होता है जो स्टार्ट हो गए खत्म ही ना हो, पूरा सर्कल में ही बॉन्ड बन जाए? क्या ऐसा कोई बॉन्ड होता है एक्चुअल में? तो आप कहोगे कि नहीं सर, ऐसा भी कोई बॉन्ड नहीं होता है और ऐसा भी नहीं होता। तो फिर बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है कैसा? तो रियलिटी तो बेटे ये है कि बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर हम किसी भी प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक पर या अपने बोर्ड पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पर हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं कि वो लगभग ऐसा होगा। ठीक है, तो हम यहां देख रहे हैं कि बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके दो तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, पर उन दोनों स्ट्रक्चर में से कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सके। इसका मतलब बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा इन दोनों स्ट्रक्चर का मिक्सचर होगा, जिसे हम लगभग में इन दो स्ट्रक्चर से बना सकते हैं जो मैंने क्रॉस किए हैं, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। बेंजीन रियलिटी में एक्चुअली ऐसा नहीं होता, हमने तो उसका थोड़ा सा जो उसका टाइप है उसे रिजेंबल किया, हमने अंदाजा लगाया कि लगभग ऐसा होगा। समझ जाओ इस बात को, लगभग ऐसा होगा, एक्चुअल में एग्जैक्टली 100% ऐसा नहीं होगा। तो हमें एक बात देखने को मिली कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके दो या दो से अधिक टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, पर उन स्ट्रक्चर्स में से किसी भी स्ट्रक्चर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बेंजीन के या उस कंपाउंड के सभी प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सके। और ये वे स्ट्रक्चर चाहे दो हो, जैसे बेंजीन में दो हैं, किसी किसी कंपाउंड के तीन भी हैं स्ट्रक्चर पॉसिबल, ये सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं, बदलते रहते हैं आपस में। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इस घटना को, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को कि जिसमें दो या दो से अधिक तरह के स्ट्रक्चर होते हैं किसी कंपाउंड के और वो आपस में लगातार बदलते रहते हैं, इस घटना को या इस फिनोमिना को ही हम कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं? रेजोनेंस। और ये जो रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इनके मिक्सचर से इन्हें मिक्स करके जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड माने संकर, मिलावट। ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड को हम मानते हैं कि ये एक्चुअल स्ट्रक्चर के बहुत नजदीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, उसके बहुत नजदीक है, ये दोनों उससे बहुत दूर हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर से, इन दोनों के कहीं बीच में होगा एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो आपको पता चल गया ना रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस का मतलब ये हुआ कि कुछ कंपाउंड्स इस दुनिया में ऐसे हैं या कुछ मॉलिक्यूल इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके दो या दो से अधिक प्रकार के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, पर उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता जो उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सके, और वे स्ट्रक्चर आपस में बदलते भी रहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और उन स्ट्रक्चर्स को मिलाकर, उन्हें मिश्रित करके, उन्हें मिक्स करके जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर के बहुत पास होता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी होता है कम, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होता है। और इस कंप्लीट प्रोसेस को, इस पूरी घटना को, इस कंप्लीट फिनोमिना को हम कहते हैं रेजोनेंस। अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको मैंने बेस क्लियर कर दिया कि रेजोनेंस क्या है। देखो जरा ध्यान से, कुछ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके टू और मोर देन टू टाइप्स के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, बट उनमें से किसी भी स्ट्रक्चर द्वारा कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, तथा ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में बदलते रहते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ध्यान रखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तथा इस घटना को रेजोनेंस कहते हैं। बताओ समझ में आया क्या रेजोनेंस क्या है?
मॉलिक्यूल या कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर होता है, जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं इनके मिक्सचर को? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाते हैं ना, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर के बहुत पास होता है, पर एग्जैक्टली एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता ये किसी भी कंपाउंड का। बस इस बात को दिमाग में घुसा लो आप अपने, कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज नॉट एन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, जो रेजोनेंस दिखाता है उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं होता, पर वो उसके उसके बहुत पास होता है, लगभग उसके जैसा होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर जैसा। देखो यहां एक बात है, रेजोनेंस दिखाने वाले कंपाउंड के एक्चुअल स्ट्रक्चर को किसी भी प्लेन पेपर या सरफेस पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। अब यदि यहां बात करो कि सर इन दोनों के मिक्सचर से ये रेजोनेंस हाइब्रिड हमने बनाया और इसे तो हमने प्लेन पेपर के ऊपर ड्रॉ कर दिया, और आप कह रहे कि एक्चुअल स्ट्रक्चर को कभी भी हम प्लेन पेपर के ऊपर या प्लेन सरफेस के ऊपर ड्रॉ ही नहीं कर सकते, ये तो बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी है, ये तो विरोधाभास अलंकार हो गया। अभी तो कह रहे कि आप एक्चुअल स्ट्रक्चर को बना नहीं सकते और आपने इन दोनों को मिक्स करके एक्चुअल स्ट्रक्चर बना भी दिया। तो मैं इसी बात को तो समझा रहा आपको, ध्यान से समझो, रेजोनेंस हाइब्रिड इज नॉट ए एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड। रेजोनेंस हाइब्रिड कभी भी एक्चुअल स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर के बहुत पास होता है पर वो कभी भी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। अब देखो यहां एग्जांपल हमने लिया बेंजीन का, C6H6 का। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ कहते हैं ऐसा है, और दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में बदलते रहते हैं, दोनों को मिक्स करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसे हमने कहा रेजोनेंस हाइब्रिड है, और ये जो दो डिफरेंट टाइप के बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं जहां डबल बॉन्ड अपनी जगह बदल रहे हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखना ध्यान से, बेंजीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव नहीं करती है। मतलब अब मुझे एक बात बताओ, बेंजीन में आपको तीन जगह डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे, और जहां भी कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ऐसे कंपाउंड को ही तो हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, पर बेंजीन का बिहेवियर बिल्कुल भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसा नहीं होता है, हालांकि इसमें तीन डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे, चाहे तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट को देख लो और चाहे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर सेकंड को देख लो। तो सीधी बात है, भले ही इसमें तीन डबल बॉन्ड हो पर इसका बिहेवियर तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसा है ही नहीं, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन एटम्स का नंबर भी बहुत कम है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम्स का नंबर कम होता है सैचुरेटेड कंपाउंड के कंपैरिजन में, ये बात आपको पता होगी। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि बेंजीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव नहीं करती है, जबकि उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा 6 हाइड्रोजन एटम कम है। बेंजीन में तीन सिंगल बॉन्ड होते हैं जिनका बॉन्ड लेंथ होना चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, कंसेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बेंजीन में तीन सिंगल बॉन्ड है, तीन डबल बॉन्ड है, आपको पता है। तो ये जो तीन सिंगल बॉन्ड है उनका बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए? जितना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है उतना ही तो होना चाहिए, कितना? 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। तथा तीन डबल बॉन्ड होते हैं, तीन उसमें डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग में, जिनका बॉन्ड लेंथ होना चाहिए 1.34 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली, ध्यान से समझना, बट प्रैक्टिकली ये प्रूव होता है कि बेंजीन के सभी 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का लेंथ सेम होता है, अर्थात 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। अब फंस गया पेंच, यहां गरारी फंस गई हमारी, यूं फंस गई कि जब बेंजीन के रिंग को हम देखते हैं तो तीन तो सिंगल बॉन्ड है जिनका बॉन्ड लेंथ होना चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉम, और तीन है उसमें डबल बॉन्ड जिनका बॉन्ड लेंथ होना चाहिए 1.34 एंगस्ट्रॉम, पर जब बेंजीन के 6 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ निकाल ली प्रैक्टिकल करके, तो वहां पता चला कि 6 बॉन्ड लेंथ जो है, 6 बॉन्ड्स जो है, चाहे वो डबल हो या सिंगल हो, उनकी सबकी बॉन्ड लेंथ ही इक्वल आ रही, और वो बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से तो बड़ी आ रही, यानी 1.34 एंगस्ट्रॉम से तो बड़ी है,
और सिंगल बॉन्ड से छोटी है यानी 1.54 एंगस्ट्रॉम से छोटी है यानी वो है 1.39 एंगस्ट्रॉम। फंस गया ना पेचियां, आ गया समझ में बात। यही तो बात है कि हम स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड को देख तो रहे पर दोनों प्रूव ही नहीं हो रहे कि बेंजीन ना तो पहले जैसा है ना तो दूसरे स्ट्रक्चर जैसा है। तो ये प्रूव होता है प्रैक्टिकली कि बेंजीन के सभी यानी 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का लेंथ सेम अर्थात 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है जो सिंगल एंड डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बीच में है। अतः बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों स्ट्रक्चर का मिक्सचर होता है। इन दोनों का मिक्सचर जो होगा वही बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, ना कि ये दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर हैं। रेजोनेंस मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी कंपाउंड है जिसमें आपको रेजोनेंस देखने को मिल रहा है तो समझ जाओ रेजोनेंस क्या करता है, कंपाउंड को बहुत ज्यादा स्टेबल कर देता है। हाई स्टेबल का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, जो ज्यादा स्टेबल है ना, जो स्थाई है, जो रुका हुआ है, जो आराम कर रहा, उसकी क्रियाशीलता तो कम होगी। आपको पता है कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जिसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है उसके अंदर स्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है, और जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो स्टेबिलिटी कम होगी उसके अंदर। तो यहां लिखा हुआ है कि रेजोनेंस मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। जहां भी आपको रेजोनेंस दिखाई देगा वो समझ जाओ कंपाउंड स्टेबल है, आराम फरमा रहा कंपाउंड हमारा बिल्कुल रेस्ट स्टेज में, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ध्यान रखना इस चीज को। और एक बात और बताता हूं, पहले भी बताई थी, फर्स्ट यूनिट में आप कान खोल के सुन लो। मान लो मेरे पास दो कंपाउंड ऐसे हैं जो रेजोनेंस दिखाते हैं। पहला कंपाउंड तो ऐसा है जिसके दो ही तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और दूसरा कंपाउंड ऐसा है जिसके तीन तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब किसी ने पूछ लिया कि भाई पहले कंपाउंड के तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं 2 टाइप्स के और दूसरे कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं 3 टाइप्स के, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर स्टेबल, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा, पहले वाला होगा या दूसरा। तो आप देख लेना कि जो कंपाउंड जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाता है या जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है, या फिर यूं कह दो कि उतना लेस रिएक्टिव होता है। इस बात को तो दिमाग में घुसाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल। बताओ समझ में आ रही क्या बात। अब देखो यहां क्या बात है, यहां बात है कि रेजोनेंस मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में डबल एरो, देखो डबल साइडेड एरो है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां भी बनाओगे उनके बीच में ऐसा निशान लगाओगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच डबल एरो का यूज किया जाता है। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है, मतलब आपके मान लो बेंजीन की बात कर लो, बेंजीन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, आप कहोगे कि सर 2 हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड कितना है, 1। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा ना उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ध्यान रखना इस चीज को। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है इसलिए यह अधिक स्थाई होता है। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 तरह के हैं वे ज्यादा स्टेबल हैं या बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल है, तो आपका जवाब होना चाहिए भाई जिसका एनर्जी कम होगा वही ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है इसलिए वे कम स्टेबल होते हैं, जबकि रेजोनेंस हाइब्रिड जो उन दोनों के मिक्सचर से बना है उसकी एनर्जी होती है कम, उन दोनों से कम होती है इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी एंड रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, पता चल गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी तो ज्यादा होगी पता है आपको, और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी होगी कम। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी एंड रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी का मतलब है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, या फिर इस बात को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो। आप कह सकते हो कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनमें जिस भी स्ट्रक्चर की एनर्जी मैक्सिमम है उस एनर्जी को उठा लो और उसमें से माइनस कर दो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी को, या जितने भी स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर रखे उनमें से जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसे माइनस कर दो। मतलब जितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं उसी में हमने इंक्लूड कर लिया रेजोनेंस हाइब्रिड, तो एनर्जी ऑफ लोएस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ हाईएस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है उसे लिख लो और सबसे कम किसकी उसे लिख लो और दोनों को घटा दो, तो उनका जो डिफरेंस आएगा उसे आप रेजोनेंस एनर्जी कहोगे, यदि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में आप जाते हो। और यदि 100 की सीधी एक बात करते हो तो सीधा कहो कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनकी एनर्जी लिख लो और उसमें से घटा दो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा उसे कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और ये जो रेजोनेंस एनर्जी है ना, बहुत कमाल की चीज है। देखो क्यों है कमाल की चीज, देखो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन जो है वो 36 किलो कैलोरी पर मोल होती है, और इससे डिसाइड होता है या इससे डिटरमाइन करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी, एंड रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत कमाल की बात लिखी हुई है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जरूर। हमने यहां लिखा देखो, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजोनेंस एनर्जी के। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी में डिफरेंस होगा ना, वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज्यादा होंगे उतना स्टेबल होगा। हम इस बात को उल्टी तरफ से भी सीख सकते हैं, उल्टी तरफ से सीखते हैं। चलो देखो, यदि किसी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा हैं तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी, और यदि उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हुई ना तो उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी। इस तरह भी सीख लो आप, यानी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, और रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम कुछ बात करेंगे, कुछ खास बात करेंगे कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस की, रेजोनेंस की क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है, मतलब कब कब रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा और उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या शर्तें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली शर्त रेजोनेंस की, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एटम की पोजीशन सेम रहनी चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं ना तो एटम कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता, उसमें कोई भी एटम नहीं जगह बदलने का। ओनली इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह बदलते हैं ना कि एटम। बहुत काम की बात है, आपने किसी भी मॉलिक्यूल के देखे कि तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, तो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब माने जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यदि आप तीनों स्ट्रक्चर में किसी भी एटम को डिस्प्लेस नहीं कर रहे, एटम की जगह नहीं बदल रहे आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की जगह बदलोगे सिर्फ। ये पहली शर्त है रेजोनेंस की कि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एटम की पोजीशन सेम रहनी चाहिए, ओनली इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी शर्त देखो क्या है, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। मतलब यदि आपने देखे कि बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वे इक्वल होने चाहिए, यानी पहले स्ट्रक्चर के नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए दूसरे स्ट्रक्चर के नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, तथा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए। यानी पहले जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उतने उतने ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और उतने उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ मैं बिल्कुल भी इस बात को यूं नहीं कह रहा कि नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, नहीं इस बात को नहीं बोल रहा मैं आपको कह रहा कि आप दोनों या तीनों स्ट्रक्चर को देख लो और तीनों स्ट्रक्चर में या दोनों स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। यदि तीनों स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं और तीनों स्ट्रक्चर के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल के उन्हें देखा वे भी बराबर हैं,
तो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं वे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तीसरा शर्त देखो क्या है, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है। ठीक है, बराबर ही होती है, बस यूं समझो। चलो ये तो होगी हमारी शर्तें, अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की क्या क्या खासियत हैं। ठीक है, ऑफ लिखना चाहिए था, यहाँ ऑफ कर लेना, मैं कर दूंगा नोट्स में, फाइनल दूंगा ऑफ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड की हीट ऑफ प्रोडक्शन इसके किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हीट ऑफ प्रोडक्शन से अधिक होती है। हीट ऑफ प्रोडक्शन तो पता है आपको, एक मोल को बनाने में कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा, कितना हीट चेंज हो रहा। मुझे एक बात बताओ, अच्छा यहां लिखा हुआ है कि रेजोनेंस हाइब्रिड की जो हीट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा होती है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हीट ऑफ प्रोडक्शन होती है कम। बिल्कुल सही बात लिखी हुई, बच्चों के हजम नहीं होती है बात। मुझे यूं बताओ अच्छा, कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी कम है या नहीं है। जब एनर्जी कम है तो हीट ऑफ प्रोडक्शन तो ज्यादा होगी उसकी, उसे बनाने में ज्यादा एनर्जी लॉस हुआ होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी लॉस हुआ उसके पास बची हुई एनर्जी उतनी तो कम होगी। रेजोनेंस हाइब्रिड की टोटल एनर्जी कम होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि उससे उसके बनने में बहुत ज्यादा क्या हुआ, कंजप्शन हुआ एनर्जी का, एनर्जी लगी बहुत ज्यादा, हीट बहुत ज्यादा लगी। जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके प्रोडक्शन में हीट कम लगी। तो जिसके प्रोडक्शन में जितना ज्यादा एनर्जी लगता है उसके पास बचा हुआ एनर्जी उतना कम होता है, जबी तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ सीधी बात है, ये बातें सबकी समझ में नहीं आती हैं, ये तो बातें उसी बच्चे की समझ में आएंगी जो रेगुलर प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करता है और जो टॉपिक्स को समझने का प्रयास करता है उसकी समझ में आती हैं ये बातें। अब आप जो है किसी भी वीडियो को देखो और उस पर क्लिक मार दो और उसे समझना शुरू कर दो तो आपकी समझ में थोड़ा ही आ रही। आपको इन चीजों को समझने के लिए बेसिक चीजें तो समझनी बहुत जरूरी हैं, एक सीक्वेंस में स्टडी करनी बहुत जरूरी है। देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड की हीट ऑफ प्रोडक्शन इसके किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हीट ऑफ प्रोडक्शन से अधिक होती है। ध्यान रखना, एनर्जी उसकी कम है तो हीट ऑफ प्रोडक्शन तो उसकी ज्यादा ही होगी। एनर्जी का यह डिफरेंस रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। बिल्कुल, आप इस डिफरेंस को भी रेजोनेंस एनर्जी कह सकते हो, यानी डिफरेंस बिटवीन द हीट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड हीट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे भी आप रेजोनेंस एनर्जी कह सकते हो। उसका बाद एक चीज है कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी अधिक होती है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही अधिक होती है। ये बात तो हमने अभी डिस्कस करी। अब हम तीन जबरदस्त इसके देखो, दूसरा देखो खासियत क्या है। रेजोनेंस हाइब्रिड में बॉन्ड लेंथ किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बॉन्ड लेंथ से डिफरेंट होती है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में जो भी बॉन्ड लेंथ होंगी, अभी हमने बेंजीन का एग्जांपल पढ़ा था ना, रेजोनेंस हाइब्रिड में बॉन्ड लेंथ आई थी 1.39 एंगस्ट्रॉम, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी थी 1.54 एंगस्ट्रॉम और डबल बॉन्ड की थी 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो यूं बताओ कि रेजोनेंस हाइब्रिड में जो बॉन्ड लेंथ आई वे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बॉन्ड लेंथ के इक्वल थी कोई नहीं। तो वही बात लिखी हुई यहाँ कि रेजोनेंस हाइब्रिड में बॉन्ड लेंथ किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बॉन्ड लेंथ से डिफरेंट होती हैं। और थर्ड, तीसरा प्रॉपर्टी या तीसरी विशेषता, तीसरी करेक्टरिस्टिक यह है, ध्यान से समझना, रेजोनेंस हाइब्रिड का डाइपोल मोमेंट किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के डाइपोल मोमेंट से डिफरेंट होता है। ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट भी बदल जाएगा, जब बॉन्ड लेंथ बदल गई, एनर्जी बदल गई तो डाइपोल मोमेंट तो बदलेगा ही। फिर अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस की, रेजोनेंस के कहां कहां हमें असर देखने को मिलेगा। वैसे तो बहुत इफेक्ट है रेजोनेंस का, पर हम यहां तीन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेके आए हैं, उन्हें समझना। रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जैसा कि आपको पता है, जिससे रिएक्टिविटी घट जाती है, जिसका कारण बॉन्ड लेंथ एंड एनर्जी में कमी होता है। मतलब बॉन्ड लेंथ और एनर्जी बदलेगी तो फिर एनर्जी जब घटेगी तो स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो,
विनाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट 1.44 डीबाई होता है, जो नॉर्मल से अधिक है। यदि आप विनाइल क्लोराइड के इसी स्ट्रक्चर को देखते हो तो आप समझोगे कि सर इसका जो डाइपोल मोमेंट है जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1.44 डीबाई नहीं आना चाहिए, पर इसका डाइपोल मोमेंट नॉर्मल से ज्यादा आता है, 1.44 डीबाई आता है, जो नॉर्मल से अधिक है। इसका रीजन पता क्या है? क्योंकि विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस देखने को मिलता है। देखो विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस है, और जब इसमें रेजोनेंस है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों आपस में मिलके ही तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, और एक्चुअल स्ट्रक्चर में पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी हिस्सेदारी होगी सेकंड की भी। तो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब हम देख रहे हैं तो इसमें तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये पोलर है, और जब पोलर दिखाई नहीं दे रहा तो डाइपोल मोमेंट तो यहाँ जीरो होना चाहिए। पर जब आप सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते हो तो आपको पता चलता है एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी विनाइल क्लोराइड आपका बन गया है डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल बन गया है, और जब पोलर है तो इन दोनों के मिक्सचर से बनेगा एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत ही तो पोलैरिटी होगी, और थोड़ी बहुत ही पोलैरिटी होगी तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट तो होगा ही। तो इसलिए विनाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट 1.44 डीबाई होता है, जो नॉर्मल से अधिक है, क्योंकि इसके रेजोनेंस हाइब्रिड में इसकी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी योगदान होता है। जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका भी तो कुछ पार्टिसिपेशन होगा इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर में या रेजोनेंस हाइब्रिड में, और सेकंड स्ट्रक्चर इसकी पोलर है, तो जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो तो कुछ ना कुछ पोलर तो होगा ही वो, इसलिए तो इसका डाइपोल मोमेंट 1.44 डीबाई आता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखो, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ही अल्कोहल न्यूट्रल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। मतलब नॉर्मली बच्चे जो है जब अल्कोहल की शक्ल देखते हैं, ये अल्कोहल है, देखो क्या है अल्कोहल, जब अल्कोहल को नॉर्मल बच्चा देखेगा जो क्लास 10th 11th 12th का होगा तो उससे पूछा जाएगा कि अल्कोहल बताओ एसिड है या बेस, तो वो कहेगा कि सर यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा OH दिखाई दे रहा, तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, R पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकलेगा। जब OH नेगेटिव निकलेगा इसका मतलब अल्कोहल क्या है, बेस है। ठीक है, 10th क्लास का बच्चा कह रहा जी अल्कोहल तो बेस है। फिर वो बच्चा आया 11th में, उसे पढ़ाया गया 11th 12th में कि ये तो एल्काइल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, और यदि आप इस वाले बॉन्ड को देखो, इसकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी देखो, तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी ज्यादा है, और उसकी पोलैरिटी ज्यादा है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज मच हायर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं जितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड बन रहा वो ज्यादा पोलर है, ज्यादा पोलर है तो इस बॉन्ड को टूटना है, और इस बॉन्ड को टूटना है तो यहाँ से H पॉजिटिव और ये RO नेगेटिव आयन बनेगा। इसका मतलब अल्कोहल देखने में भले ही लगता हो कि OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा, पर अल्कोहल एक्चुअल में क्या रिलीज करता है, अल्कोहल इस वाले H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है। तो बताओ अल्कोहल एसिड है या बेस, तो बच्चा कहेगा 11th 12th में जी एसिड है, अल्कोहल तो एसिड है, क्योंकि आपने बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, ना कि R और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो जब वो O और H के बीच का बॉन्ड टूट गया तो H पॉजिटिव रिलीज करेगा, और H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो एसिड है। ठीक है, पर अल्कोहल एसिडिक नहीं होता नॉर्मली, अल्कोहल एसिडिक नहीं होता, ये बात हम इसी लेवल पे समझते हैं यहाँ, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे, कि अल्कोहल एसिडिक क्यों नहीं होता है हालांकि H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा। फिर भी देखो, अल्कोहल ने H पॉजिटिव आयन दिया, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसने भी H पॉजिटिव आयन दिया। जब दोनों H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहे तो दोनों एसिडिक होने चाहिए, अल्कोहल भी एसिडिक होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिडिक होना चाहिए। पर रियलिटी पता क्या है, रियलिटी यह है कि इन दोनों में से सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही एसिडिक होता है, यानी एसिड की तरह बिहेव करता है, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल इज नॉट एसिडिक इन नेचर। अब अगला सवाल खड़ा हुआ कि सर क्यों, और मेरा जवाब है एक शब्द में, रेजोनेंस। देखो आपको इस बात का तो पता है कि यदि कोई भी स्पीसीज रेजोनेंस दिखाती है तो वो स्टेबल हो जाती है ना,
ये बात तो बताया आपको। अब देखो आप, अल्कोहल ने जब एच पॉजिटिव आयन रिलीज करा तो एच पॉजिटिव के साथ साथ उसने एक ये आयन आर ओ नेगेटिव भी रिलीज करा, ठीक है, यानी एल्कोक्सी आयन या एल्कोक्साइड आयन भी रिलीज करा। पर ये जो एल्कोक्सी आयन है, जैसे मैं इसे कह दूं कि इसका एक एग्जांपल लिख दूं, यहां इसका एग्जांपल लिखा मैंने CH3O नेगेटिव मिथॉक्सी आयन है, ठीक है, या मिथॉक्साइड आप इसे कह सकते हो। तो क्या CH3O नेगेटिव में रेजोनेंस मिलेगा? आप कहोगे नहीं सर, CH3O नेगेटिव में कहां का रेजोनेंस आ जाएगा, जब यहां पाई बॉन्ड ही नहीं है तो रेजोनेंस कहां से आ जाएगा, और जब इसमें रेजोनेंस नहीं है तो फिर स्टेबिलिटी कहां से आ जाएगी इसमें आर ओ नेगेटिव में, और जब ये स्टेबिलिटी इसमें आनी ही नहीं है तो फिर बनेगा ही क्यों? यो भाई, कोई भी चीज क्यों बनना चाहती है? आप पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब में या फिर अच्छे बिजनेस में क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि वहां आपको एक जबरदस्त स्टेबिलिटी मिलेगी, इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं ना आप, कहीं भूल तो नहीं गए क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? हम जब पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें उसका टारगेट पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं किसी काम को। कभी कभी काम को करते करते हम भूल जाते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं जिससे हम एक अच्छे आदमी बने, ठीक है, इसीलिए तो कर रहे हैं हम पढ़ाई। एक बार क्या हुआ, एक बच्चे को साइकिल दिलाई उसके मम्मी पापा ने, साइकिल नई साइकिल ली उसने, और साइकिल चलाने में इतना मस्त था कि वो अपने टारगेट ही भूल रहा था कि मैं साइकिल क्यों चला रहा। घर से उसे पैसे मिले, उसकी मम्मी ने कहा 20 रुपए दिए उसे कि 20 रुपए ले और बाहर से जाके दही लेके आ जा दुकान से जाके। अब 20 रुपए तो उसने अपने पॉकेट में डाल लिए और वो साइकिल चलाता चलाता जा रहा, चलाते चलाते घंटा घर पहुंच गया। मतलब वो साइकिल चलाने में इतने मजे ले रहा था कि उसे टारगेट ही नहीं पता था अपना कि मैं साइकिल क्यों चला रहा, पर चलाते चलाते घंटा घर पहुंच गया। वहां जाके टारगेट याद आया, वो मुझे तो दही लेके जानी थी घर। फिर वो वहां से दुकान पे गया, दुकान से उसने दही ली, दही लेके वो घर पहुंचा, घर मम्मी उसकी डंडा लेके खड़ी थी, ठीक है। घर पहुंचते ही दही तो बाद में पकड़ी, पहले उसके डंडे से सर्विस करी उसकी। तो मतलब हम क्यों पढ़ रहे, हमें अपना टारगेट पता होना चाहिए। हम इसलिए पढ़ रहे क्योंकि हमें एक अच्छा आदमी बनना है, कोई अच्छी जॉब में जाना है, अच्छे बिजनेस में जाना है, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, चाहिए ना स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी चाहिए इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि यदि आर ओ एच का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट गया और टूट के आर ओ नेगेटिव बन गया, जो रेजोनेंस नहीं दिखाता, जिसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, जब इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, इसका टूटने का कोई फायदा ही क्या है? फिर ये क्यों टूटेगा भाई? इस बॉन्ड को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्यों टूटेगा? ये तो जब टूटेगा, जब इससे बनने वाला प्रोडक्ट में कुछ मजा हो, टूटते ही बॉन्ड को और इसे स्वर्ग मिल जाए एकदम। यदि स्वर्ग मिल गया, इसकी इच्छाएं पूरी होगी, स्टेबिलिटी यहां मिल गई, तभी तो इसे टूटने का कुछ फायदा है। और जब ये बॉन्ड टूट गया और फायदा कुछ नहीं हुआ तो क्यों टूटेगा? तो हमें यहां पता चल रहा कि अल्कोहल में इस बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड में टूटने के चांस तो इसी के ही ज्यादा हैं, पर इसके टूटने से फायदा तो कुछ नहीं होता। मतलब एच पॉजिटिव निकल गया पर दूसरा जो आयन बन रहा आर ओ नेगेटिव, उसमें किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं होता, ठीक है। और जब किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं होता तो बेटे वो बॉन्ड टूटेगा ही क्यों? वो तो नहीं टूटने का, रेजोनेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो टूटने का ही नहीं है। और टूटने का नहीं, जब ये नहीं बनना चाहता तो ये भी नहीं बनेगा। इसका मतलब एच पॉजिटिव आयन के बनने के चांस बहुत कम होंगे। एच पॉजिटिव आयन की जो अवेलेबिलिटी है, जो इसका प्रोडक्शन की टेंडेंसी है, वो बहुत कम होगी, जिसकी वजह से हमें बहुत कम एच पॉजिटिव आयन मिलेंगे और हम कहेंगे कि अल्कोहल इज नॉट एसिडिक, क्योंकि वो एच पॉजिटिव आयन दे ही नहीं रहा हमें। जबकि आप यदि कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड भी टूटकर एच पॉजिटिव आयन देता है, पर एच पॉजिटिव आयन के साथ साथ जो दूसरा आयन बनता है जिसे आप कहते हो कार्बोक्सिलेट आयन RCOO नेगेटिव, ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है ना, इसके अंदर एक खासियत है कि इसमें रेजोनेंस होता है, इसमें रेजोनेंस है, ठीक है। कैसा रेजोनेंस है देखो, कार्बोक्सिलेट आयन या तो इस फॉर्म में मिलता है या तो इस फॉर्म में, इसमें देखो ओ नेगेटिव नीचे है, इसमें ऊपर है,
ये कार्बोक्सिलेट आयन का पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दूसरा, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो यहां जब कार्बोक्सिलिक एसिड आयनों में टूटता है, एच पॉजिटिव आयन देता है, तो उसके साथ जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है उसमें रेजोनेंस होता है, और इसमें रेजोनेंस है तो इसमें स्टेबिलिटी है, इसकी बल्ले बल्ले है, ये स्वर्ग में पहुंच गया, स्टेबल हो गया, जिंदगी सफल होगी इसकी। तो जब इसे पता है कि मेरे टूटने से जो आयन बनेगा उसका बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत स्टेबल आयन होगा, तो ये क्यों नहीं टूटेगा, इधर टूटेगा ही फिर, जब इसे टूट के एकदम स्वर्ग मिलेगा तो क्यों नहीं टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। तो रेजोनेंस जो यहां दिखा रहा है कार्बोक्सिलेट आयन, इसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है इसमें, और इसमें स्टेबिलिटी आती है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता ही नहीं, जबकि अल्कोहल वाला रिएक्शन फॉरवर्ड कम चलेगा, बैकवर्ड ज्यादा चलेगा, क्योंकि जैसे ही बनेगा तो यूं कहेगा कि यार कोई फायदा नहीं, जुड़ तू वापस चल रहे, हम तो उसी स्थिति में बढ़िया थे जिसमें पहले थे। और इसमें ऐसा नहीं होने का, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं फॉरवर्ड में चलेगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एच पॉजिटिव आयन आपको मिलेंगे, और हम कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, उसके अंदर एसिडिक करेक्टर होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ उसमें होती है। तो यहाँ यही बात लिखी हुई है जो मैंने एक्सप्लेन करी अभी, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये दोनों एच पॉजिटिव आयन तो देते हैं, बट एल्कोहल से प्राप्त आर ओ नेगेटिव आयन में रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए ये स्टेबल नहीं हो पाता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राप्त RCOO- यानी कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस होता है, जिसके कारण कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होता है, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन अधिक बनते हैं, जो स्टेबल है वो तो ज्यादा बनेगा ही, जिसके साथ H पॉजिटिव आयन भी प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इसीलिए होता है क्योंकि H पॉजिटिव के साथ जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है उसके अंदर रेजोनेंस है, वो स्टेबल है, उसके बनने के चांस बढ़ गए, और उसके बनने के चांस बढ़े तो H पॉजिटिव के भी बनने के चांस बढ़े, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, रेजोनेंस के कारण ही एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन से वीक बेस होते हैं, बहुत काम की चीज है, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन, देखो यहां एक्सप्लेन कर रहा मैं, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन, पहले मैं एक एलिफेटिक एमीन लेता हूं CH3 CH3 NH2। अब आप इसे ध्यान से देख लो, एलिफेटिक एमीन है, नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन एटम अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, और जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो होता है बेस, क्या होता है, लुईस बेस होता है, लुईस ने बताई थी ये बात, लुईस बेस होता है। और जब ये बेस, ये एमीन बेस क्यों है, बेसिक नेचर क्यों है इसका, क्योंकि नाइट्रोजन एटम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, बेसिक करेक्टर दिखाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना, उपसह संयोजक बंध। अब यदि मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा एमीन है, वो तो था CH3NH2 तो था हमारे पास एलिफेटिक एमीन, ये एक ऐसा एमीन आ गया एरोमेटिक, बेंजीन तो एरोमेटिक कंपाउंड है आपको पता, इसके ऊपर NH2 लगा हुआ है, ठीक है, और ये लॉन पेयर पड़ा हुआ है, ये यदि किसी को दे दे तो हम कहेंगे ये भी क्या है, बेसिक करेक्टर दिखा रहा है एरोमेटिक एमीन भी, ये तो एलिफेटिक एमीन है ये एरोमेटिक। पर प्रॉब्लम पता क्या है, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है ना, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड बनेगा तो ये जो पाई बॉन्ड है इसकी जरूरत नहीं है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके बैठेंगे इसके ऊपर, ठीक है, और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये वाले यहाँ, मतलब कहने की बात यह है, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस बात को, कहने की बात यह है कि ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, किसी को देने की बजाय अपने अंदर ही घूम जाएगा रिंग के अंदर, जब रिंग के अंदर ये घूम जाएगा तो किसी को मिलना मुश्किल है, किसी थर्ड पर्सन को तो नहीं मिलने का ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब किसी थर्ड पर्सन को ये नहीं मिलेगा तो नाइट्रोजन एटम या एरोमेटिक एमीन के अंदर एबिलिटी नहीं है किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, तो इसका बेसिक करेक्टर तो कम हो ही जाएगा, बेसिक नेचर तो घटी गई इसकी। और यहाँ एलिफेटिक एमीन देखो, नाइट्रोजन एटम के ऊपर रखा हुआ जो लॉन पेयर है किसी को भी दे सकता है, कोई इसे CH3 बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मेरी सेवा कर, इससे CH3 कह ही नहीं रहा, इसे
सबको बता CH3 तो इलेक्ट्रॉन पेयर को और इधर को धक्का देगा, ले भाई तू मेरे भी ले ले बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा CH3 ग्रुप। जबकि यहाँ यदि हम बात करें, यहाँ बेंजीन रिंग जो है ना, इसके बहुत बेचैनी है बेंजीन रिंग के, इसने क्या कर रखा, ये नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रिंग के अंदर घुमाएगा ये, जिसकी वजह से यहाँ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पे। मतलब नाइट्रोजन एटम की हालत कुछ खुद भिखारी वाली हो जाएगी ना, तो किसी को देने की बात तो बहुत दूर की है। तो बताओ एरोमेटिक एमीन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट उतनी आसानी से नहीं कर सकता, इसलिए हम कहते हैं कि एरोमेटिक एमीन उतना बढ़िया बेस नहीं है जितना एलिफेटिक एमीन है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ देखो हमने यहाँ एरोमेटिक एमीन में लिया है एनिलीन, और एनिलीन में हमने नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर दिखाया है, ये यहाँ चला गया, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ठीक है यहाँ रखा गया बॉन्ड, फिर इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर घूमते 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 यहाँ तक पहुंचा, और आप देख रहे कि इन पांच स्ट्रक्चर में से तीन स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया हमने, इन चारों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये बनाया रेजोनेंस हाइब्रिड। इस रेजोनेंस हाइब्रिड में देखो कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ ये नाइट्रोजन एटम किसी को डोनेट कर सकता है क्या? ये नाइट्रोजन एटम किसी को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, तो कौन कह देगा इसे बेसिक नेचर है इसकी? इसकी तो नहीं है बेसिक नेचर, इसका बिल्कुल भी बेसिक नेचर नहीं है। देखो इसका मतलब साफ है कि हम रेजोनेंस के कारण ही एरोमेटिक एमीन, या एरोमेटिक एमीन है एनिलीन, एलिफेटिक एमीन से वीक बेस होते हैं। एलिफेटिक एमीन में रेजोनेंस नहीं होता, जबकि एरोमेटिक एमीन में रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी थर्ड पर्सन को या थर्ड ग्रुप को ना मिले, मिलता ही नहीं है, और बेंजीन रिंग के अंदर चक्कर काटता है। ठीक है, तो इसे तो अपनी दो चावलों की खिचड़ी अलग बनानी किसी से मतलब है ही नहीं, जब किसी को अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देना ही नहीं तो कौन कह देगा इसे बेसिक है तू? ठीक है, और एलिफेटिक एमीन का जो नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपना दान करता फिर रहा, वो तो बेसिक होगा ही, फिर उसका तो नेचर बेसिक होगा ही। ठीक है, तो ये था हमारा रेजोनेंस, और उम्मीद है आपके समझ में आया होगा रेजोनेंस। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ कि ये जो चैप्टर नंबर 4 है हमने कंप्लीट कर लिया इसे, कल को मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।